मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद को लेकर मथुरा की एक स्थानीय अदालत ने एक बड़ा आदेश दिया है। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले की तरह ही मस्जिद के सर्वेक्षण करने का आदेश दिया गया है। रिपोर्ट 20 जनवरी को कोर्ट में पेश की जाएगी। सर्वे 2 जनवरी से होगा। हिंदू पक्ष का दावा है कि श्री कृष्ण जन्म स्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर औरंगजेब द्वारा मंदिर तोड़कर ईदगाह तैयार कराई गई थी। दावा है कि शाही ईदगाह में स्वास्तिक का चिन्ह मंदिर होने के प्रतीक के साथ मस्जिद के नीचे भगवान का गर्भगृह है। हिंदू पक्ष ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर मंदिर बनने तक का पूरा इतिहास अदालत के समक्ष पेश किया। उन्होंने 1968 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ बनाम शाही ईदगाह के बीच हुए समझौते को भी अवैध बताते हुए इसे खत्म किए जाने की मांग की। दरअसल शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा शहर में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर से सटी हुई है। इस स्थल को हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली माना जाता है। माना जाता है कि औरंगजेब ने श्री कृष्ण जन्मस्थली पर बने प्राचीन केशवनाथ मंदिर को नष्ट कर 1669 से 70 के बीच शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया था।